So it's time to now get rid of all the makeup. एक बोनस आपको दूंगी मैं, एक स्किन पैक भी इसके अंदर बताऊंगी. And why the fuck is this not the Hello everyone, welcome to my channel. Well, आप लोगों ने मेरे स्किन केयर वीडियो को काफी प्यार दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. वो जनरली मेरा डे टाइम रूटीन है, मतलब सुबह उठ के मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, दैट इज माय ओनली एंड बेसिक स्किन केयर रूटीन. वो पैक जो मैंने आपको दिखाया था वो इसलिए दिखाया था क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी इन्फ्लेम थी, तो जब भी मेरी स्किन थोड़ी बहुत ऐसा कुछ चीज़ों से गुजर रही होती है तब मैं घर में किचन में से जो भी इन्ग्रीडियंट्स है वो यूज़ करके थोड़ा कुछ स्किन केयर कर लेती हूँ. अदरवाइज आई एम नॉट रियली वेरी डिसिप्लिन विद माई स्किन. तो आज का दिन मेरे लिए खत्म हो चुका है. इट्स बीन अ हेक्टिक डे, काफी मीटिंग्स थी, काफी ट्रैवलिंग हुई. सो इट्स टाइम टू नाउ गेट रिड ऑफ ऑल द मेकअप एंड शो यू वॉट आई डू विद माई स्किन. मैं क्या करती हूँ, किस तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ सोने से पहले. सो आओ दिखाती हूँ आप. तो अपना नाइट टाइम स्किन रूटीन, स्किन केयर रूटीन दिखाने से पहले मैं आज आप लोगों के लिए बताऊंगी मेरा फेवरेट फेस मास्क. जैसे कि मैंने आपको मेरी डे टाइम स्किन केयर रूटीन में वो फेस मास्क बोनस दिया था, अभी मैं आपको अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में ये वाला मास्क बोनस दे रही हूँ. बोनस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके आजू बाजू जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फेस वॉश करना, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ब्ला ब्ला लगाना, वो सब तो मैं अपने डेली बेसिस पे करती हूँ, बट ये मास्क जो है वो मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ. ये एज एंड व्हेन आई फील के माय स्किन नीड्स इट, मैं तब करती हूँ. तो या लेट्स गेट इनटू मेकिंग द मास्क. बहुत ही सिंपल है. एलोवेरा लिया हुआ है मैंने एक बोल में और मैंने उसको फ्रिज में रखा था क्योंकि इसको मैंने दोपहर से निकाल के रखा था. हमारे पास प्लांट है तो मैंने उसी से निकाला था. आप लोगों को रेडीमेड एलोवेरा जो मार्केट में मिलता है वो भी लेना है तो इट्स ओके. इसके अंदर मैं मिक्स करूंगी आधा बनाना. और इसके अंदर मैं मिक्स करूंगी एक चम्मच हनी. वेल, बनाना जो है वो मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा है, हनी जो है वो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है, और एलोवेरा के तो ऑलरेडी हम सबको सभी बेनिफिट्स पता है, मतलब इट्स द बेस्ट फॉर योर स्किन. उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है जैसे कि एक्ने फाइट करना, स्किन को हील करना, लाइक एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स. अभी सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे. फाइनल पेस्ट बन गया. अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में क्योंकि इसको लगाने से पहले मुझे अपना फेस क्लीन करना जरूरी है ना, मेकअप वेकअप निकालना. चलो आपको बताती हूँ वो सब भी मैं कैसे करती हूँ. सबसे पहले मैं अपना मेकअप निकालूंगी जिसके लिए मैं ऑयल यूज करती हूँ. थोड़ा सा ऑयल लिया जिनकी ऑयली स्किन है वो ये नहीं करना. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट आई डू. माय स्किन इज सेंसिटिव एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्राई, सो आई लाइक टू क्लीन माय फेस विद ऑयल, लाइक रिमूव मेकअप और एनी इम्प्योरिटीज विद ऑयल. और ऑयल से एक चीज ये होता है कि सब कुछ अच्छे से निकल भी जाता है. फ्री जो हो गया है ऑयल के साथ इसको आप पहले एक कॉटन से काट दो, कुछ दो सारा ऑयल फेस में. एंड
आई मीन ये वाला स्टेप आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, आप वाइप्स यूज कर सकते हैं, फम क्लेंजर के साथ यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को सूट करे आप। द होल आइडिया इज कि आप अपना फेस पूरे दिन की धूल मिट्टी ये वो में बाहर घूमने के बाद क्लीन कर रहे हैं, मेकअप निकाल रहे हैं, तो यू हैव टू गेट योर फेस क्लीन बिफोर यू एट लीस्ट गो टू बेड। आई थिंक ऑयल इज ऑफ, ऑयल निकल गया है, मेकअप साफ हो गया है, बट इसको ऐसे भी छोड़ सकती है, इसको भी प्रॉपरली क्लीन करना होता है, जो कि मैं करूंगी अपने फेस वॉश से। फिर आपका जो भी फेस वॉश है आप वो लीजिए। अच्छे से अपने फेस को सर्कुलर मोशन में जो भी ऑयल ये वो भी यूज किया निकाल दो, पूरी तरह से निकालो। तो जब भी मैं मेकअप यूज करती हूँ आई लाइक यूजिंग माय फेस वॉश ट्वाइस, इट्स जस्ट मुझे लगता है कि दो बार यूज करने से यू नो स्किन पूरी तरीके से मेकअप से फ्री हो जाती है, पूरी तरीके से सब जो गंद है वो निकल जाता है। ऑन अ रेगुलर डे व्हेन आई एम नॉट यूजिंग मेकअप तो फिर एक ही बार में क्लेंस करती हूँ, ऑफकोर्स ऑयल से नहीं, डायरेक्ट से फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करती हूँ आराम से। फेस हो गया है एकदम क्लीन, मेकअप निकल गया है पूरा, बट फेस क्योंकि थोड़ी सी ड्राई फील हो रही है इसलिए मैंने वो पेस्ट बनाया था और आप हम उसको लगाएंगे। फेस अच्छे से ड्राई कर दीजिए क्योंकि गीले फेस में पेस्ट नहीं लगा सकते, आई थिंक ड्राई फेस इज बेटर। तो फेस ड्राई हो गया एंड नाउ वी विल अप्लाई आवर पेस्ट। तो ये ठंडा ठंडा मास्क मैं फिर से लेके आई हूँ और इसको अभी फेस पे लगाऊंगी। थोड़ा सा मेसी है तो अगेन उस तरीके के कपड़े पहनना जो आप ओके हैं गंदा करने से। आपको अवॉइड ही करना बेटर है, बट ये मेरी आंख पे गिर गया सो आई कांट डू मच अबाउट इट, बट ऐसे भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इट्स नॉट रियली गोइंग टू कॉज एनी डैमेज टू योर आईज।
इसको नेक पे भी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफी मेसी हो गया है. ओके अभी इसको हम लोग 15 मिनट से 20 मिनट सूखने देंगे और फिर इसको रिंस कर देंगे. सो मेरा पैक सूख गया है, उसको ऑलरेडी आई थिंक 15 से 20 मिनट हो गए. सो आई एम गोइंग टू वॉश इट ऑफ. इसको नॉर्मल से पानी से धोना है, कुछ साबुन या ये सब लगाना नहीं. ठीक है, अगेन आई थिंक जब भी आप फेस मास्क या पैक जो भी लगाए उसको हल्का सा लुकवॉर्म वाटर, गुनगुना पानी जो बोलते हैं उससे धोए तो बेटर है, क्योंकि वो निकालने में आसान हो जाता है. बहुत एकदम खोल का गर्म पानी भी यूज करना वरना स्किन के लिए, वो स्किन के लिए बहुत ही खराब होता है. जस्ट अ लिटिल ली से पूरा मास्क निकल गया है. मेक योर फेस ड्राई. सो नाइस द स्किन फील्स, कैन यू सी द बम्प्स, मॉइस्चराइज्ड एंड सपल. अब मैं बताती हूँ कि इसके बाद में क्या. तो फेस पूरा क्लीन हो गया है, ड्राई हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और नॉट फीलिंग ड्राइनेस जो जनरली मेरे को फील होती है व्हेन आई डू लाइक अ डबल फेस वॉश क्लेंस. उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ, ये असेंशियल ऑयल है, सैफरन, रोज और टर्मरिक. इतना बहुत ज़्यादा आ गया, उसको मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी. मैं एज अ सेट यू नो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और सैफरिन तो इज़ माय फेवरेट. मतलब सैफरिन के मुझे आप लोगों को बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत भी नहीं है. केसर जो है वो हर एक चीज़ में बेनिफिशियल होता है, भले ही तुम्हारी इम्यूनिटी हो, बॉडी हो, स्किन हो, जो भी हो. आई थिंक सैफरिन जो है वो एक हीरो इन्ग्रीडियंट है प्रोडक्ट जो भी. सो दैट इज इट, सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटमेंट, बट ये करती हूं मैं रात में. फेस पैक तो एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी मैंने, बट जनरली ये मेरा रेजीम है कि मैं अपना मुंह बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ और फिर ये ऑयल लगा देती हूँ. बट एक चीज है जो मैं विदाउट फेल करती हूँ एंड इट हैज वर्क्ड वंडर्स फॉर मी, वो ये है. तो ये कैस्टर ऑयल है और इसको मैं विदाउट फेल अपने आईब्रोज, क्योंकि एज यू सी मेरे आईब्रोज थोड़े से स्कैंटी हैं, लगाती हूँ. एंड इसको अभी लगा के आई थिंक ये मेरा नया इंक्लूजन है मेरे स्किन केयर में, क्योंकि आई थिंक ये एक महीना भी नहीं हुआ है. बट मैंने कहीं इसके बारे में रीड किया था कि ये आईब्रोज और आईलैशेस के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है. तो मैं बोला ठीक है ट्राई करके देखते हैं. एंड ट्रस्ट मी आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी. मतलब मेरी आईलैशेस और आईब्रोज जितने अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये इतने नहीं थे. ये एक महीने के अंदर मुझे ये कैस्टर ऑयल ने इतना बेनिफिट दिया है एंड आई एम सो हैप्पी विद इट कि आई थिंक अभी इसको मैंने अपने रेगुलर नाइट टाइम स्किन केयर रेजीम में इंक्लूड ही कर दिया है. एंड कैस्टर ऑयल इज़ वेरी सेफ, मतलब वो आँख वाँख में जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती है. बस तेल है तो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, इसलिए इसको मेक श्योर सोने से पहले लगाएं. अगर आप उसके पहले लगा रहे हैं तो फिर अगर आप कुछ टीवी या व्हाटएवर एंटरटेनमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा
ब्लर दिखेगा। वेल दैट इज माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं करती या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड, बस बेसिक करती हूँ और ये मुझे काफी हेल्प करता है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।